इंग्लिश के पिछले वीडियो में मैंने बताया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट में क्या था, जिसमें ता था लास्ट में, कोई चीज पढ़ता लिखता कोई वर्ब रही होगी, वर्ब के बाद में ता रहा होगा और लास्ट में था था, तो इस तरीके से ता था था, ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है। और उसमें अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या लिखते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते थे, जिसमें कोई सेंटेंस ऐसा था जो भूतकाल का रहा हो, जो समय हो चुका हो, जैसे पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा, पढ़ता था, समय जो बीत गया है उसके बारे में जब चर्चा थी, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन आपने किए। अब आज देखिए इसके निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अब यहीं से हेल्पिंग वर्ब शुरुआत हो जाती है, जहां पर वह नहीं पढ़ता था, पढ़ता था। अब देखिए ता था तो लिखा हुआ है तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन नहीं भी लिखा हुआ तो अफर्मेटिव नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसमें वो डिड होगी, डिड डिड, ये ध्यान रखना है। तो अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, और फिर ये जो वर्ब था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। पहले इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में क्या करते थे, सेकेंड फॉर्म लिखते थे, है ना, गो वेंट गान, तो गो नहीं लिखते थे, वेंट लिखते थे। अब क्या करेंगे, अब रीड में चूंकि सब एक ही जैसा होता है, तो अब देखिए जिसे यहां पर हम लिख दें वह नहीं जाता था, तो अब जाता था में अगर ये नहीं ना होता तो ही वेंट लिखा जाता, लेकिन अब नहीं लिखा हुआ है तो गो वो फर्स्ट फॉर्म फिर से लिखी जाएगी। तो सब्जेक्ट में देखिए वह है तो हो गया ही, और हेल्पिंग वर्ब में डिड है, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, फिर नॉट, और फिर वर्ब क्या है गो। अब यहां पर वेंट नहीं लिखेंगे, गो लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है कुछ नहीं। और इसमें डिड किसके साथ लगना है किसके साथ नहीं लगना है ये भी देखें, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड ही लगना है, डिड ही लगना है, ध्यान रखना। दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं इसमें, सब में डिड डिड नॉट लिखेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस की बात है जिसमें इनकार होता है, निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। अब आइए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो डिड ही आपको याद रखनी है, ये डिड। अब इंट्रोगेटिव में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, पहला टाइप, जिसमें वर्ब जो कार्य है वो क्या, क्वेश्चन वाला शब्द जो है वो सबसे पहले होता है, क्वेश्चन वाला शब्द, जैसे क्या सीता नाचती थी जाती थी, कुछ भी लिख लें ये। अब देखिए क्या पहले लिखा हुआ है, तो जब क्या पहले लिखा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां ना हो करके फिर इसका नियम थोड़ा सा चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो क्या के साथ डिड लगेगा, डिड, अब देखिए डिड लगाना है आपको तो डिड सबसे पहले, सबसे पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है, डिड सीता गो, ये क्वेश्चन मार्क, क्या सीता जाती थी, डिड लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है क्या सीता जाती थी,
ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा और डिड सब में आगे लगेगा। लेकिन यही प्रश्नवाचक शब्द जो है, जो प्रश्न वाला शब्द है, ये अगर बीच में है कहीं, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो, वह कहां रहती थी। अब देखिए कहां बीच में आ गया, तो जब बीच में आता है क्वेश्चन वाला शब्द तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। ये क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देते हैं। अब ये कहां की इंग्लिश क्या होती है, हुयर होती है, डब्ल्यू एच ई आर ई, हुयर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में डिड है, हुयर डिड, फिर सब्जेक्ट है वह, वह को कहते हैं सी, क्योंकि लड़की है ये, रहती थी, तो लड़की के लिए वह में सी लिखा जाता है, और रहने को कहते हैं लिव। ये वेयर डिड सी लिव, वह कहां रहती थी। देखिए डिड आसान है इसको बनाना, क्योंकि समय डिड ही, कुछ याद ही नहीं करना। अगर ती थी लिखा हो लास्ट में और क्वेश्चन वाली बात है तो सब में आपको डिड ही तो लगाना है। क्वेश्चन वाला शब्द लिखिए, फिर डिड लगाइए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए। कितनी सरलता से आप कर लेंगे। अब देखिए अगला एक और है जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। वे क्या नहीं खाते थे, वे क्या नहीं खाते थे। अब देखिए क्या नहीं, क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले, यही नियम चलेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद यहीं पर नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, यहां नहीं, वो तो साधारण में लगता है, नॉट यहां लगेगा, नॉट और फिर वर्ब, ये बनेगा। अब देखिए क्या को क्या कहते हैं, क्या की इंग्लिश सबसे पहले तो होता है व्हाट, व्हाट, और फिर हेल्पिंग वर्ब है डिड। What did they? What did they? अब not खाते, खाते को कहते हैं eat। ये बन गया आपका sentence। क्या बना? What did they not eat? ये क्या जो था वो बीच में जब था तब उसकी English लिखी जाती है, और क्या अगर पहले होता तो इंग्लिश ना लिखी जाती। से क्या वे नहीं खाते हैं, तो डिड दे नॉट ईट, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो आज यहीं पर, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ अनुवाद दे रहा हूं जिसको आप ट्रांसलेट करें, तीनों टाइप से बदल बदल करके बना लें, तो देखें कितनी आसानी से आप इसे कर पाएंगे। चलिए लिखिए, सेंटेंस लिख लीजिए जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वह नहीं नाचती थी, क्या तुम पढ़ते नहीं, पढ़ते थे, सब निगेटिव बनाना है आज, नहीं पढ़ते थे, तुम क्या वे नहीं नहाते थे, मैं कहां रहता था,
हम, क्या, नहीं, खाते थे। अब देखिए पिछला भी एक दो दे रहे हैं जिसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर नहीं है तो ध्यान रखना डिड नहीं लगता है। तुम क्यों नहीं पढ़ते थे? सीता पतंग उड़ाती उड़ाती थी। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, देखिए क्वेश्चन वाला है, तो ये तीन तीन छह सात सेंटेंस मैंने दिए हैं, इनको ट्रांसलेट करना और फिर चेक करना और तीन सेंटेंस अपने तरीके से हिंदी में लिख लेना। बस काम क्या है, उसके लास्ट में ता था होना चाहिए। ऐसा सेंटेंस तीन लिखिएगा जिसके लास्ट में ता था हो, फिर उसको इंग्लिश में अनुवाद करिए। पहले हिंदी में लिखिए फिर उसको इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, खुद देखिए और दूसरों को भी दिखाइए, तो आपको भी आएगा, आपके दोस्तों को भी ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। धन्यवाद।